दोस्तों, दो अपडेट से इंपॉर्टेंट। एक तो वर्ल्ड बैंक की ओर से जनवरी का अपडेट ग्रोथ का आ चुका है पूरी दुनिया का, और उसके साथ रिसेंटली क्वार्टर फोर के जीडीपी ग्रोथ के डेटा यूएस के भी आए हैं। तो आज हम वर्ल्ड ग्रोथ एस्टीमेट अलोंग विथ यूएस जीडीपी ग्रोथ जो लेटेस्ट डेटा आए, ये दोनों चीजों पे दोस्तों बातचीत करेंगे। सबसे पहले दोस्तों वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ। दोस्तों वर्ल्ड बैंक क्या उम्मीद रखती है, जैसा आप देख रहे हो दोस्तों, 2021 में जो 6.2% का ग्रोथ था ड्यू टू लो बेस ऑफ कोविड, वो 22 में 3%, 23 जो अभी खत्म हुआ दोस्तों 2.6% का एस्टिमेट था, 2024 फॉरवर्ड एस्टिमेट 2.4% है, 2025 में भी 2.7% है। इसका मतलब ये कि आने वाले दोनों साल इंक्लूडिंग करंट ईयर जो 2023 खत्म हुआ, ये तीनों साल दोस्तों 3% से कम ग्रोथ रहने की उम्मीद है, जो अच्छे न्यूज नहीं है। लेकिन उसके साथ पिछला जो साल खत्म हुआ दोस्तों 0.5% से अपग्रेड किया है दोस्तों, राइट। जून में जो ग्रोथ एस्टिमेट थे उससे आधा टका दोस्तों अपग्रेड किया है, दैट इज गुड थिंग। 2024 एज इट इज रहने दिया, 2025 में दोस्तों 0.30, राइट, 30 बेसिस पॉइंट से वर्ल्ड ग्रोथ को दोस्तों डाउनग्रेड किया है। नाउ कमिंग टू दोस्तों यूएस। अब जब यूएस का ग्रोथ दोस्तों हम देखते हैं, आप देख सकते हो अगेन सिमिलर टू वर्ल्ड, 2021 अच्छा ग्रोथ था बट दिस वाज ड्यू टू लो बेस। 2022 दोस्तों 1.9% अंडर परफॉर्म किया था दोस्तों एडवांस इकोनॉमीज ने और यूएस ने भी दोस्तों। 1.9% वाज नॉट अ गुड ग्रोथ दोस्तों। 2023 में भी 2.5% ग्रोथ की उम्मीद थी, जो कि दोस्तों अच्छा ग्रोथ नहीं था। 2023 2.5 प्रीवियस ईयर से अच्छा था, राइट, लेकिन जो यूएस की जो लॉन्ग टर्म हिस्ट्री है उसके हिसाब से ये भी लो ग्रोथ था। पर 2.5% के जो ग्रोथ एस्टिमेट यूएस के थे दोस्तों, ये 1.4% से अपग्रेड किए गए थे क्वार्टर फोर और फाइनेंशियल 23 के डेटा ऑलरेडी कल ही आ चुके हैं, राइट। तो वो क्या आए हैं वो अभी हम देखेंगे, पर उससे पहले दोस्तों जब दिसंबर एंड में वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट दिए, उन्होंने एडवांस में 1.4 यानी 140 बेसिस पॉइंट से दोस्तों यूएस को अपग्रेड किया था, दैट वाज गुड थिंग फॉर यूएस। दोस्तों 2024 के चलते 1.6% के ग्रोथ की उम्मीद रखी गई थी और ये भी 0.8% से अपग्रेड करने के बाद, राइट, 2025 दोस्तों 60 पैसे से डाउनग्रेड किया गया था। अब ये तो बात थी दोस्तों वर्ल्ड बैंक की, पर चलो कल रियल डेटा यूएस के आ गए हैं, तो यूएस के लेटेस्ट डेटा क्या कहते हैं। अपग्रेड किया था वर्ल्ड बैंक ने तो क्या बराबर किया था, लेटेस्ट चेक दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स के डेटा 2021 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 22 देखा 23 देखा, अब 23 2.5%। तो जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट देखा था, आफ्टर अपग्रेडिंग बाय 1.4% उन्होंने 2.5% का एस्टिमेट रखा था। यस दोस्तों, यही ग्रोथ आया है यूएस का 2.5, विच वाज 60 पैसा बेटर देन प्रीवियस ईयर 2022 से दोस्तों, अच्छा ग्रोथ रहा, राइट। अब ये जो साल है 2022 और 23, इनके टोटल क्वार्टरली डेटा दिए हुए, 2022 में जब लो ग्रोथ था 1.9% दोस्तों, उस समय क्वार्टर वन क्वार्टर टू दोनों नेगेटिव थे, राइट। क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर में 2.6 2.2 आया, तो पूरा साल दोस्तों 1.9 रहा, राइट। अब ये साल 2023, राइट, क्वार्टर वन में 2.2, फिर 2.1, क्वार्टर थ्री ने दोस्तों बढ़िया ग्रोथ दिया था। तो यूएस की इकोनॉमी हम कह सकते हैं क्वार्टर थ्री से दोस्तों अच्छी पॉजिटिव हुई थी। अब पूरी इनकी क्वार्टरली ट्रेंड देखो तो क्वार्टर थ्री वाज बेस्ट क्वार्टर दोस्तों। ठीक वैसे ही क्वार्टर फोर के जीडीपी ग्रोथ भी बढ़िया आए हैं, 3.3%,
और इसी वजह से जो 2023 का जो एंड 2.5% का रहा, अच्छा रहा दोस्तों एज पर एस्टिमेट। दोस्तों इन Q3 और Q4 के डेटा को देख के लगता है कि 2024 और 25 जो US के लिए दोस्तों एस्टिमेट रखे गए हैं, दोस्तों ये एस्टिमेट हो सकता है जून महीने में जब वर्ल्ड बैंक डेटा दे रिवाइज कर सकते हैं पॉजिटिव साइड पे, राइट। सो दिस इज गुड थिंग विच वी सॉ जस्ट यस्टरडे इन US मार्केट, राइट। तो US की रिकवरी दोस्तों काम लग सकती है दोनों क्वार्टर की। चाइना में क्या हाल है दोस्तों? जैसा आप चाइना देख रहे हो दोस्तों 2021 तो चलो लो बेस वाला साल हम बोलेंगे, राइट। 8.4% ग्रोथ था, 22 में 3% बुरा ग्रोथ था दोस्तों, राइट। 2023 5.2%, राइट। तो ये जो इम्प्रूवमेंट आया गया था दोस्तों ऑलरेडी चाइना में, उसने थोड़ा वर्ल्ड को भी सपोर्ट दिया, पर 2023 के जो जनवरी में अभी जस्ट रिसेंटली जो वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट दिए हैं दोस्तों, वो 0.4% घटा के दिए हैं, राइट। यानी चाइना को 40 बेसिस पॉइंट से डाउनग्रेड किया है, 2024 के लिए भी 10 बेसिस पॉइंट से डाउनग्रेड किया है, 2025 भी। तो चाइना से उम्मीद है दोस्तों 5% से नीचा ग्रोथ ये तीनों साल रहेगा, राइट फ्रेंड्स। सो दिस वाज समथिंग अबाउट चाइना दोस्तों। अब चाइना के साथ जापान एंड यूरो जोन। दोस्तों जापान आप देख सकते हो 2023 में 1.8% के जीडीपी ग्रोथ की उम्मीद थी, राइट। 1% से जापान को अपग्रेड किया है, तो ये भी दोस्तों गुड न्यूज है जापान के लिए और यस वर्ल्ड के लिए, क्योंकि बड़ी इकोनॉमीज में जब ग्रोथ आता है दोस्तों दुनिया को भी सपोर्ट मिलता है। 2024 में भी 20 पैसे से जापान को अपग्रेड किया, 2025 भी अपग्रेड किया है 0.8%। अगर जापान ग्रो करेगा तो ये अपग्रेडेड वर्जन है। यूरो जोन देखे दोस्तों 2023 0.4% की उम्मीद है और कोई चेंज नहीं किया है दोस्तों अपने स्टांस में वर्ल्ड बैंक ने, पर 2024 0.7 है, तो ये 0.6 पैसा से दोस्तों इसको डाउनग्रेड किया है, या 60 बेसिस पॉइंट से डाउनग्रेड। 2024 और 25 भी यूरो जोन को 70 बेसिस पॉइंट से दोस्तों डाउनग्रेड किया है। तो दोस्तों ये हुआ आपका दुनिया का हाल, हमसे जो आगे है वो इकोनॉमी का हाल। अब दोस्तों इंडिया देख लेते हैं, इंडिया का क्या स्टांस है। दोस्तों इंडिया 9.1% का ग्रोथ था 21 में, बट यस वी शुड से ड्यू टू लो बेस ऑफ कोविड। अब 22 में क्या हुआ दोस्तों, 22 में 7.2% ग्रोथ। ये साल दोस्तों 2023 6.3% के एस्टिमेट थे, वर्ल्ड बैंक ने जो लेटेस्ट डेटा जारी किया 0% से अपग्रेड किया या डाउनग्रेड किया, तो कोई अपग्रेडेशन नहीं कोई डाउनग्रेडेशन नहीं। इंडिया पे उम्मीद रखी है कि सबको आउट परफॉर्म करेगी, मेजर इकोनॉमिस को भी और बाकी इकोनॉमिस को भी दोस्तों, राइट। पर 6.3% को देख के जो रिसेंट हमारे जो जीडीपी के डेटा आए दोस्तों, वो डेटा के हिसाब से ये ग्रोथ बढ़ना चाहिए। 2023 दोस्तों 6.5 से 7% के बीच में रह सकता है, तो ये तो और दोस्तों बढ़िया हुआ। जो अभी जो रिसेंट जीडीपी ग्रोथ के जो डेटा आए ये बताते हैं 2024 25 दोस्तों, ये पूरे तीनों साल भारत का ग्रोथ दुनिया से करीबन 3 गुना रहेगा, यूएस से 4 गुना दोस्तों रह सकता है। और यस दोस्तों ये वो टाइम है जब हम चाइना को भी आउट परफॉर्म करने वाले हैं। सो दिस इज द कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस बाय इंडिया दोस्तों, कंप्लीट आउट परफॉर्मेंस के साथ इंडिया बढ़ता जा रहा है कंसिडरिंग दिस डेटा। दोस्तों हम ये जरूर उम्मीद रख सकते हैं कि 2027 आते आते भारत जर्मनी जापान दोनों को पार करके दोस्तों दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगी, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है दोस्तों हमारे बीच में और जापान और जर्मनी की गैप कम होती जा रही है दोस्तों। ये ग्रोथ के हिसाब से इस साल
हम 3.6% पहुंचेंगे, तो जर्मनी और जापान की गैप हमारी कम हुई, और ऐसे ही इंडिया का ग्रोथ दोस्तों 7-1% का, जापान जर्मनी का ग्रोथ दोस्तों लो ग्रोथ 1-2% का। तो दोस्तों 2027 तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यस इंडिया इज गोइंग टू आउट परफॉर्म द होल वर्ल्ड, यस आई इनवाइट एवरीबडी टू इन्वेस्ट इन इंडिया द कंट्री विथ हाई ग्रोथ, राइट फ्रेंड्स। सो दिस वॉज द अपडेट अबाउट योर वर्ल्ड ग्रोथ अलॉन्ग विथ यूएस लेटेस्ट डेटा। दोस्तों सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टिंग, मोस्ट वेलकम टू प्रॉफिट फ्रॉम इट। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबडी।